आप सभी लोगों को मालूम होगा कि जो आपके ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हैं ये जापान के शहर टोक्यो में किए जा रहे हैं, और आप सभी ये भी जानते हैं कि ये 2020 में होने थे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण 2020 में नहीं हो पाए थे। इसीलिए आपको देखना है कि ये 2021 में आयोजित हो रहे हैं, और इसमें अगर आप देखेंगे तो भारत का प्रदर्शन अच्छा नहीं रह रहा है। हमारे किसी भी खिलाड़ी ने अभी तक की बात करूं गोल्ड मेडल नहीं जीता है। आप देखिए कि हमारी स्थिति नीचे से टॉप पर बनी हुई है, और चाइना को देखेंगे आप लोग की टॉप पर है। इस तरह से आप लोग ले सकते हैं, मान लीजिए आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं और किसी के 99 नंबर हैं और किसी के 5 नंबर हैं, तो हम लोग 5 नंबर की तरह से आप कह सकते हैं कि नीचे से टॉप कर रहे हैं हम लोग। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि जिस हिसाब से हमारे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, उन्हें सुविधाएं दी जाती हैं, और जो खेल बजट में हमारा जो खेल बजट दिया जाता है उस हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि 2021-22 का बजट आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, उसमें देखा होगा कि खेल क्षेत्र में दिए जाने वाले पैसे में कटौती देखने को मिली थी आपको। और अगर हम लोग अपने देश और चाइना देश के बजट में, अगर खेल बजट में तुलना करें, तो आपको जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। हमारे यहाँ दी जाने वाली सुविधाओं की बात करें, अगर चाइना से उसी की तुलना करें, तो आपको जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। और इसीलिए आप देखेंगे कि जमीन आसमान का फर्क अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो आप देखेंगे जमीन पर भी तो वो दिखाई देगा, मेडल के रूप में भी तो दिखाई देगा। आप देखते हैं कि चाइना टॉप पर इसीलिए बना हुआ है क्योंकि वहाँ विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं, अच्छे से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और हमारे खिलाड़ी, आप समझिए कि हमारे खिलाड़ी जो भी पदक लाते हैं वो अपनी दम पर लाते हैं, उसमें सरकार का योगदान ना के बराबर होता है। अगर हम भी अगर जापान, अमेरिका या चाइना की तरह सुविधाएं उपलब्ध करवाएं, खेल में उतना पैसा खर्च करें, तो हम भी प्रदर्शन कर सकते हैं। आप देखिए जनसंख्या की अगर बात करें तो जनसंख्या हमसे ज़्यादा चाइना की है, दूसरे नंबर पर हम लोग आते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारी स्थिति है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर देश की लाज बचा के किसी ने रखी हुई है, नाक कटने से किसी ने बचाई हुई है, तो वो है हमारे देश की बेटियाँ। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप सभी लोगों को मालूम है कि मीराबाई चानू सिल्वर लेकर आई हुई हैं, रजत पदक जीत कर आई हुई हैं, पीवी सिंधु कांस्य पदक जीत कर आई हुई हैं, लवलीना कांस्य पदक जीत के आई हुई हैं, और तीनों बेटियां हैं। और इनको पदक मिलना, इनका पदक जीतना उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो बेटियों को बेटों से कम आंकते हैं, या कहते हैं कि ये बेटियां एक काम नहीं कर सकती हैं, लड़के एक काम कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग, मुझे नहीं लगता है कि अब भारत में कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां महिलाएं पुरुषों को टक्कर ना दे रही हो। कई क्षेत्र तो आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिसमें पुरुषों से आगे भी निकल चुकी हैं। तो मेरा मानना है कि अब भेदभाव खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। और हम लोगों ने मीराबाई चानू और पीवी सिंधु के बारे में विस्तार से बात की हुई थी, और उनकी आर्थिक स्थिति आप देखिए कि कितनी बुरी थी पहले, जब वो आप देखते हैं खेलों में भाग ले रही थी। आज हम लोग लवलीना बोरगोहेन के बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं, और एक सामान्य जानकारी आपको टोक्यो ओलंपिक खेलों के बारे में भी दे देता हूँ। उससे पहले एक बार आप लोग जापान को देख लीजिए और भारत को देख लीजिए। देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी, जिसे आप लोग गोला कह सकते हैं, इसमें एशिया में आप देखेंगे यह है हमारा प्यारा भारत। यहाँ से आप लोग जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा जापान। ये जापान वही है 1945 द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम गिराए गए थे हिरोशिमा नागासाकी पर, ठीक है। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा, यह है टोक्यो, यही ये खेल आयोजित किए जा रहे हैं। अगर हम लोग ओलंपिक खेलों की बात करें तो इसकी उत्पत्ति प्राचीन ग्रीस में हुई थी, और ये धार्मिक उत्सव का एक आंतरिक हिस्सा था। यह ग्रीस के ओलंपिया में जीवस ग्रीक धर्म के सर्वोच्च देवता के सम्मान में आयोजित किया जाता था। आगे चल के इसे ओलंपिक खेल के रूप में बदल दिया है।
तो ये पॉइंट भी याद रखिए। एक आप सुनते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इससे भी आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस भी पूछ लेता है कई बार। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC, तो 23 जून 1894 को IOC की स्थापना की गई थी और यह ओलंपिक का सर्वोच्च प्राधिकरण है। यह एक गैर लाभकारी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो खेल के माध्यम से एक बेहतर विश्व के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। यह ओलंपिक खेलों के नियमित आयोजन को सुनिश्चित करता है और जो सभी सदस्य हैं संगठनों का समर्थन भी करता है और उचित तरीकों से ओलंपिक के मूल्यों को बढ़ावा भी देता है। और वर्ष 1948 से हर 4 वर्ष में एक बार ओलंपिक आयोजित किए जाते हैं। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि आपके 2016 में हुए थे ओलंपिक, अब 2020 में हुए और अब आप देखेंगे 2024 में। ये 2020 के ही हैं, बस इन्हें बढ़ा के 1 साल आगे कर दिया था। 2024 में आपके कहाँ होंगे तो आपको बता दूं, पेरिस फ्रांस में होंगे 2024 में, पेरिस फ्रांस में। और 2028 में कहाँ होंगे? लॉस एंजल अमेरिका में। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लेता है आपसे। और आप खुद बताइए, जितना खर्च हमारे क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है, अगर इतना खर्च हम लोग इन क्षेत्रों में खर्च करें तो जरूर हमारे खिलाड़ी आप गोल्ड पदक लेके आएंगे। लेकिन आप सभी जानते हैं क्या स्थिति है, ये देख लीजिए, लवलीना बोरगोहेन की ये पिक्चर है, ठीक है? क्या है? पिक्चर है। कुछ और पिक्चर आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रही होंगी, यही है, ठीक है? अगर हम लोग इनके जन्म के बारे में बात करें, किसके जन्म के, तो इनका जन्म होता है 2 अक्टूबर 1997 को। कहाँ होता है? असम इंडिया में। एक बार आप लोग असम को भी देख लीजिएगा, जब भी कोई खिलाड़ी किसी राज्य से होता है तो उस राज्य के बारे में भी कुछ पॉइंट आप लोग जान लिया करिएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये आप देखेंगे, पूर्वी भारत में आपको असम देखने को मिलेगा। कहाँ है असम? देखिए, यह है असम, इसकी राजधानी है दिसपुर। क्या है? दिसपुर। और आपको इससे लगे हुए राज्यों की बात करें तो यहाँ मेघालय देखेंगे आप लोग, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ आप देखेंगे आपका पश्चिम बंगाल। अगर इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो आप देखेंगे बांग्लादेश से लगती है इसकी सीमा, भूटान से लगती है। किससे? भूटान से लगती है। और भी अगर इसके बारे में हम पॉइंट की बात करें तो आप सभी को बता दूं कि इसे राज्य का दर्जा कब मिला था? 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन आप जानते हैं कि हमारा संविधान लागू हुआ था, उसी दिन इसे राज्य का दर्जा मिला था। यहाँ विधानसभा सीटें आप देखेंगे 126 देखने को मिलेगी, राज्यसभा सीटों की बात करें तो 7 सीटें देखने को मिलेगी, 7, 7, और लोकसभा सीटों की बात करें तो 14 सीट देखने को मिलेगी, ठीक है? अगर हम लोग इनकी माता की बात करें तो मामोनी बार्गोहेन इनकी माता का नाम है, टी केन बार्गोहेन इनके पिता का नाम है, और इनके पिता कृषक हैं, यानी कि किसान हैं। और आपको बता दूं, इनकी 2 बहनें भी हैं, एक आपने सुना होगा लीचा और एक का नाम है लीमा, दोनों जुड़वा हैं। इन्होंने भी राष्ट्रीय स्तर पर किक बॉक्सिंग कर चुकी हैं। इनकी बड़ी जो सिस्टर्स हैं वो भी राष्ट्रीय स्तर तक किक बॉक्सिंग में भाग ले चुकी हैं, ठीक है? स्कूल की अगर हम लोग बात करें तो बारापत्थर गर्ल्स हाई स्कूल गोलाघाट, असम से इन्होंने 10वीं की शिक्षा ली हुई है। मैंने कई जगह सर्च करके देखा है, आगे की शिक्षा के बारे में कुछ पॉइंट मालूम ही नहीं है इनके। अगर आपको कुछ मालूम हो तो आप लोग बताइएगा नीचे। इनका पेशा अगर हम लोग व्यवसाय की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय बॉक्सर हैं, यानी कि मुक्केबाज हैं। और अगर इनको इनके हम लोग गुरु यानी कि कोच की बात करें तो पदम बोरो और शिव सिंह इनके कोच हैं। आप सभी को मालूम होगा कि 2020 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था, 2020 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था।
इस अर्जुन पुरस्कार के बारे में बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1961 में पहली बार ये दिया गया था, यानी कि कह सकते हैं कि 1961 से ये शुरू हुआ था। और आपको बता दूं कि भारत सरकार द्वारा ये दिया जाता है, और खेल के क्षेत्र में जो अच्छा प्रदर्शन करता है खिलाड़ी उसको ये दिया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग लवलीना बोरगोहेन की उपलब्धियों की बात करें कि अभी कहाँ कहाँ ये पदक जीत चुकी हैं, कहाँ कहाँ भाग ले चुकी हैं, तो आप देखेंगे 2017 में लवलीना ने हो ची मिन्ह सिटी में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। कहने का सीधा सा मतलब है कि 2017 में जो आपकी एशियाई चैंपियनशिप हुए थे इसमें इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया था। फिर आपने देखा होगा कि 2018 में नई दिल्ली में आयोजित बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। 2018 में जो विश्व चैंपियनशिप हुआ था उसमें भी इन्होंने अपने नाम कांस्य पदक किया था। फिर आप देखेंगे 2018 में उलान बटार कप हुआ था, ये कहाँ हुआ था, मंगोलिया में, इसमें इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया था। फिर आपने देखा होगा कि 2019 में उलान उड़े में विश्व चैंपियनशिप हुआ था, इसमें भी इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया था। फिर आप देखेंगे कि 2021 में लवलीना ने दुबई में आयोजित बॉक्सिंग एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। यानी कि सीधा कहने का मतलब है कि 2021 में जो एशियाई चैंपियनशिप आपके हुए थे कहाँ हुए थे, दुबई में, इसमें भी उन्होंने कांस्य पदक जीता था। और अभी आप देख रहे हैं कि टोक्यो ओलंपिक कहाँ हो रहे हैं, टोक्यो शहर जापान के, तो यहां भी इन्होंने कांस्य पदक जीता हुआ है। तो ये उनकी उपलब्धियां होगी। और याद रखिए, अगर आपसे कहीं परीक्षा में पूछता है, अगर कहीं भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जानना हो, तो इतना मुझे लगता है काफी है। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि किसी ने अभी तक इनके ऊपर बायोग्राफी नहीं लिखी है, मतलब अभी तक आत्मकथा इन्होंने नहीं लिखी हुई है, तो इनके बारे में हर पॉइंट जान पाना मुश्किल है। और शिक्षा के बारे में 10वीं तक ही मिलता है, मैंने कई जगह सर्च भी करके देखा हुआ है, आप लोग भी देख लीजिए अगर आपको लगता है कि जानना चाहिए तो। ठीक है, चलिए, अभी तो जैसा अभी कांस्य पदक जीता हुआ है, दुआएं करिए कि अगली बार गोल्ड जीत कर आए, स्वर्ण पदक जीत कर आए। ठीक है,